आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में। तो पिवट टेबल को पढ़ने से पहले चलिए हम पिवट टेबल के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं। पिवट टेबल क्या है? पिवट टेबल को अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। ओके, हम रिपोर्ट की देखिए, ऑफिस में जब आप रिपोर्ट बनाते हैं क्या होता है? ऑफिस में जो रिपोर्ट हम बनाते हैं तो हम ऑफिस में रिपोर्ट बनाते समय हम बोलते हैं कि रिपोर्ट इज द समरी ऑफ द डेटा। अगर रिपोर्ट कोई भी आप बनाते हैं, किसी भी एंगल से बनाते हैं, किसी भी तरीके से बनाते हैं, उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है समरी ऑफ द डेटा, किसने किसी डेटा को का समरी ही होता है। तो चलिए पिवट टेबल को पढ़ते हैं। पिवट टेबल को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को समझना है। डेटा नहीं समझेंगे तो पिवट टेबल पढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि आप डेटा को समराइज करने जा रहे हैं तो पिवट टेबल के बारे में आपको पता होनी चाहिए, पिवट टेबल आखिर करता क्या। तो अभी जो हम आपको डेटा ने दिया है ये सेल्स का डेटा है। डेटा को समझने से क्या होता है कि डेटा को जो आप एनालाइज कर रहे हैं तो डेटा को जब तक नहीं समझेंगे कैसे उसको एनालाइज करेंगे, तो डेटा को समझना जरूरी होता है। तो इसमें डेटा में हमारा एक सेल्स का डेटा है सिंपल सा, और इसमें आप एक बार चेक कर लें कहीं पे ब्लैंक रो तो नहीं है, पूरी की पूरी जो रो होती है वो ब्लैंक तो नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी रो ब्लैंक है तो ऐसा नहीं कि पिवट नहीं लगेगा, पिवट लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको डेटा को सिलेक्ट करना हो। जब तक आप डेटा को सिलेक्ट ना करेंगे तब तक पिवट नहीं लगेगा। सो नीड टू सिलेक्ट द डेटा इफ योर डेटा हैज अ ब्लैंक रो, पूरी की पूरी ब्लैंक। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ हेडिंग देख लेता हूँ, कोई हेडिंग ब्लैंक तो नहीं हो, क्योंकि हेडिंग ब्लैंक हो तो पिवट आपका लगेगा ही नहीं। तो पिवट लगाने के लिए कहीं एक जगह पर सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए और जस्ट क्लिक पिवट टेबल, जस्ट पिवट टेबल के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एंड ओके। अब यहां पे देखिए ओके कर देंगे तो न्यू शीट ऐड होगी, उस पर पिवट लग जाएगा। यहां एग्रेशन वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको कोई अपना कोई शीट है जिसमें पिवट लगाना है तो वहां पे ले आके लगा सकते हैं। मैं फिलहाल न्यू वर्कशीट रखता हूं एंड ओके करता हूं। एक नई शीट में कुछ इस तरह का विंडो आएगा, ये आपका पिवट एरिया है, ये आपका फील्ड्स है, जो फील्ड्स आपके डेटा में थे और फील्ड यहाँ पे। तो आपको ये भी जानना होगा कि आपको निकालना क्या है। तो मुझे इस डेटा से निकालना है कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, बस ये जानना चाहता हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नेम को उठाया और रख दिया रो फील्ड, तो रो वाइज आ गया। अब देखिए पूजा जो है डेटा में हजारों बार, बट आपके पिवट में यहां वन टाइम आ रहा है, यहां समरी बन गई। फिर मैंने यहां पे क्वांटिटी को उठाया और वैल्यू में रख दिया, जिसका टोटल हमें करना है, जिस फील्ड का टोटल करना होता है उसको हम हमेशा वैल्यू में ही रखते हैं। अब यहां पे ऊपर दिख रहा है लेवल, रो लेवल, मैं यहां पे नेम कर देता हूं, यहां चेंज कर सकता हूं नेम, और यहां पे हम टोटल क्वांटिटी, और यहां पे अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात आती है, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी। देखिए होम मेनू बार में जो नॉर्मल डेटा फॉर्मेट है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन अप्लाई। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब पिवट को रिफ्रेश करेंगे तो फिर आपका पिवट जो है हो सकता है कि कलर को पूरा ना ले। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आप कलर जो फॉर्मेटिंग करते हैं दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पिवट। जब रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश क्यों करेंगे, डेटा के अंदर में हम कुछ भी चेंजिंग करते हैं, किसी भी तरह का चेंज करते हैं डेटा के अंदर, तो हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। जब रिफ्रेश करेंगे इसको तो डेटा यहाँ अपडेट होगा। अब जब यहाँ डेटा अपडेट होगा तो आपको
फॉर्मेटिंग जो है अपना जगह छोड़ सकता है। इसलिए हम यहां पे नॉर्मल पिवट यहाँ फॉर्मेटिंग लगाने के जगह पे पिवट की जो फॉर्मेटिंग होती है, देखिए पिवट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको डिजाइन टैब दिखेगा, डिजाइन पे जाइए और यहाँ से अपने मर्जी का जो डिजाइन आपको पिवट को शूट करता है, जो आपके रिक्वायरमेंट को शूट करता है वो क्लिक कीजिए और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आइए और भी डिजाइन है इसमें, ओके। अब इसे विजुलाइजेशन चाहिए चार्ट्स, तो आप इस पे क्लिक करने के बाद जो पिवट टेबल एनालाइज में जाके आप चार्ट को ले सकते हैं, यहाँ से भी चार्ट ले सकते हैं या नॉर्मल जो चार्ट लगाते हैं वो भी चार्ट ले सकते हैं। क्लिक किया, सेलेक्ट किया एंड ओके, ये हमारा आ गया। अब इसकी भी डिजाइन होनी चाहिए तो इसको भी क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखिए डिजाइन है, क्लिक कीजिएगा तब होगा। अगर देखिए कुछ नहीं दिख रहा है तो चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर डिजाइन आएगा, यहाँ देखिए अलग डिजाइन से जो डिजाइन पसंद हो आ गया। अब आपका रिपोर्ट तैयार है, अब मुझे इसको भेजना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर रिपोर्ट भेजने के लिए क्या इसके साथ डेटा भी भेजना पड़ेगा? जरूरत नहीं है, क्योंकि पिवट अपना डेटा बैकर में कैरी करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी, न्यू वर्कबुक एंड ओके, एक नई फाइल में देखिए यहाँ पे आ गया नई फाइल, उसे करके भेज सकते हैं, पूरा पिवट वर्क करेगा, पूरा वर्क करेगा। तो पिवट आखिर होता क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर, समझ में आया? जी सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर इससे हम करते क्या है, क्या बेनिफिट क्या है पिवट लगाने का, क्या पिवट का बेनिफिट क्या है? तो देखिए हम डेटा को अपने एंड से एनालाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एनालाइज का मतलब कि ये डेटा है हमारा, ये हमारे सिटी वाइज प्रोडक्ट है हमारा। अब मुझे क्या करना है कि मेरा स्टॉक बढ़ाना है। अभी तक जो हम स्टॉक लेते थे वो तो ठीक है, मैं चाहता हूँ इस बार स्टॉक बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि रैम प्रोडक्ट का स्टॉक मेरे पास 600 का था, मैं इसको 10,000 ले जाना चाहता हूँ, ऐसे तो ले जाना चाहता हूँ। मैं देख तो लूँ कि हमारा एवरेज रैम का सेलिंग क्या है क्या, और मेरे अलग अलग गोडाउन हैं तो किस गोडाउन में मैं बढ़ाऊँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे पिवट टेबल एंड ओके। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सिटी को लूंगा, रखूंगा रो में, प्रोडक्ट को लूंगा रखूंगा कॉलम में, एंड क्वांटिटी को रखूंगा यहां पे। अब मुझे अब इसको मैं राइट क्लिक करके क्या करूंगा, शॉर्ट कर देता हूं ताकि शॉर्ट हो जाए। इसमें मेरा सबसे हाईएस्ट सेल आ रहा है चंडीगढ़ में, और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि चंडीगढ़ में डीवीडी का सबसे ज्यादा सेल है, तो अगर स्टॉक बढ़ाना है तो चंडीगढ़ में डीवीडी का बढ़ाऊंगा ना सर, 10,000 पीस कर देता हूँ, क्योंकि 4,000 जनरली बिक रहा है। अब ETC प्रोडक्ट का कर दूं जिसका सेल ऑलरेडी 370, इसका 10,000 कर दूंगा तो मेरा ग्राउंड को ब्लॉक करेगा, मेरे पूंजी को ब्लॉक करेगा, क्या डैमेज होंगे। तो इस तरह के डिसीजन लेने के लिए हम एक समरी क्रिएट करते हैं ताकि हमें एक इंफॉर्मेशन मिले, ताकि हम उसके बिहाफ पे एक सही सटीक डिसीजन ले सकें। अलकेश जी समझ में आया कि क्या होता है, क्यों यूज करते हैं पिवट? यस सर। क्यों यूज करते हैं? एक बड़े बिग डेटा को समराइज करके अपने अंडरस्टेबल अपने को जो भी एनालाइज करना है जी वो हम कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गए।
तो पिवट टेबल को मैं एक्सप्लेन किया, पिवट टेबल होता क्या है, क्या करते हैं, क्या बेनिफिट्स है। अब मुझे इस चीज को जानना है आपको पहले से पिवट आता कितना, तो मैं आपको जो है अल्केश और मयूरी यहाँ पे हम फाइल फाइल मैं आपको भेज रहा हूं, मुझे इस पे आप जो है तकरीबन 10 अलग अलग पिवट बना के भेजें, ताकि मुझे पता चले कि आपको पिवट का आखिर पहले से नॉलेज कितना है, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग।